हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ उज्जैन महाकालेश्वर का बाज़ार। और यहाँ आप क्या क्या खा सकते हैं, कितने का खाना पड़ता है, अफोर्डेबल खाना है या महंगा खाना है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं अफोर्डेबल खाना, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का भी हो, जो खाने में भी स्वादिष्ट हो, और बुरा खाना भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के सामने ही आपको बहुत बड़ा बाज़ार देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट महाकालेश्वर मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत बड़ा बाज़ार मिल जाएगा, जहां से आप काफ़ी ज़्यादा पूजा का सामान, कपड़े, खाना पीना, हर तरह की सुविधा आपको महाकालेश्वर मंदिर के चारों तरफ मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये है कच्चा रुद्राक्ष। अगर आप कच्चा रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही मिनिमल होता है, लगभग आपको 50 से 100 रुपए के अंदर आपको कच्चा रुद्राक्ष मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का रुद्राक्ष का फल होता है और इसके अंदर आप रुद्राक्ष देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की फ्री जल सेवा भी उपलब्ध की जाती है, जो कि सेवा में की जाती है, तो इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। तो ठंडा पानी आपको जगह जगह पर यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह की महाकाल की प्रिंटिंग वाली टी शर्ट्स आपको मिल जाती हैं, जिनका प्राइस होता है लगभग 200 से 250 रुपये। ये तिलक आप ज़रूर लगवाएं जब भी आप महाकालेश्वर आएँ, तो यहाँ पे आपको तिलक लगाने के लिए लगभग 10 से 20 रुपये आपको देने होते हैं। कोई कोई आपको फ्री में भी लगा देता है, लेकिन आप 10 से 20 रुपये तो एटलीस्ट दे ही दें। महाकालेश्वर मंदिर के चारों तरफ आपको एक वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा, आपको नॉनवेज खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर के पास की जगह है तो नॉनवेज तो बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दें यहाँ। हेलो जी दोस्तों, गुड इवनिंग। तो मैं उठ चुकी हूँ, आराम से 3-4 घंटे सोई हूँ मैं, और अब मैं जा रही हूँ, मेरे को हेयर वॉश करना है, लेकिन यार मुझे याद आया कि मैंने शैम्पू नहीं खाई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो लंच भी नहीं किया है अभी, और लंच भी कर लेते हैं और शैम्पू भी कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए हेयर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए चलो निकल चुके हैं हम अपनी कैमरा लेके, तो चलो उसके बाद आगे दिखाती हूँ। सो गाइस, लेट्स ईट समथिंग डिफरेंट। आज सोचे थोड़ा डिफरेंट ही खाऊंगी, तो अभी मैंने पाव भाजी बनाया है, तो चलो दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं पाव भाजी। इस दुकान की मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वाद लगी, और रीज़नेबल भी थी और स्वाद भी अच्छा था। बस यहाँ पे भाजी आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी, थोड़ी ग्रेवी वाली भाजी मिलेगी, जबकि नॉर्मल पाव भाजी थोड़ी गाढ़ी होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लिक्विडी है, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। अब इस पाव भाजी की प्लेट को देखकर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, वो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के मुंह में स्वाद आ गया है पाव भाजी का। वैसे तो मुझे हर जगह का पाव भाजी पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ का पाव भाजी जेन्युइनली मुझे अच्छा लगा। 70 रुपये प्लेट है, लेकिन वर्थ इट है, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आएगा खाकर। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद शॉप है यहाँ पे, महाकाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने, ये जो मेन मार्केट है ना, यहीं पर आशीर्वाद शॉप है। तो यहाँ आके एक बार ट्राई ज़रूर करना सारा, जितना भी क्या क्या चीज़ है भैया, मसाला डोसा वगैरह, पनीर, चाउमीन, ये मंचूरियन, मतलब चाइनीज़ आइटम सारा है यहाँ पर। तो अभी तक तो मैंने पाव भाजी ट्राई किया, तो वो मुझे अच्छा लगा, बाकी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश रहता है इनकी शॉप पर। अरे यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं चलता यार, जियो का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अगर कोई नेटवर्क अच्छा है तो एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा है यहाँ पर, जियो का तो बहुत स्लो है, पेमेंट तो हो ही नहीं रही है। फिर वापस से वो पेमेंट कैंसिल करा के फिर मैंने कैश दिया, जबकि कैश मैं ख़त्म नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी कैश की यार कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, एटीएम वगैरह पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं, तो इसलिए बाहर आके मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट करूँ हर जगह। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलते हैं। अब लेना है शैम्पू, तो शैम्पू लेने चलते हैं फटाफट से। शाम का माहौल अच्छा लगता है, पूरे दिन मैं सो ली ना, सोने के बाद मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा यार आज रात को जगराता करना है, तो इस वजह से रात दिन में ही सो लेते हैं, तो हमें सो के बहुत हल्का फील हो रहा है, इसलिए मैं आज पता है नहाई भी नहीं। अब इस पर वो मत खड़े करते ना सवाल आए नहाई नहीं, तो यार मैं क्या करती, मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के मैं सो गई, मैं कहा चलो अब जाकर नहाऊंगी फिर दोबारा से। महाकाल मंदिर से पता है कितनी आगे आगे मैं, कमा लिया शैम्पू, शैम्पू नहीं मिल रहा है मुझे, कोई भी जनरल स्टोर नहीं मिला, मैं काफ़ी आगे आई हूँ, तो यहाँ पर अब मुझे दिखा है, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से शैम्पू की पैसे मिल रही है, बाल धोना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फाइनली मुझे शैम्पू मिल गया है, ढूंढने ढांढने के बाद मुझे मेरे बाल धोने से मैं खुद भी नहीं रोक सकती। हाँ
हेयर वॉश ना कर लो तब तक अजान शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मेरे पीछे में जो सामने रोड जा रहा है ना, यहाँ पर मस्जिद है और इस साइड में महाकाल है। देखो इधर मस्जिद और इधर महाकाल। तो दोस्तों ये वाला जो मेरे राइट साइड में जो होटल देख रहे हो, आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। इसका भी चार्ज लगभग 1500 से 1600 रुपए तक में आपको रूम यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन रघुमणि होटल का जो खाना है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये हैं कुछ लाल पीले धागे जो कि मैंने लिए हैं, 10 रुपये के 5 मिलते हैं, जो कि हाथ में बंधे हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इस लाल पीले धागे को आप मौली भी कह सकते हो। तो इस मौली बांधना जो होता है हमारी कलाई में, ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान भी होती है। तो ये फूल और ये प्रसाद चढ़ाया जाता है महाकाल को, तो आप ये ले सकते हो यहाँ से प्रसाद चढ़ाने के लिए। सामने आप मंदिर देख सकते हो, मंदिर के ठीक सामने ये बाज़ार है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और मैं रेडी होके निकली हूँ खाना खाने के लिए। मार्केट में इस वक्त ना भीड़ कम हो जाती है। आज शाम को पाव भाजी खा ली थी तो इसलिए भूख नहीं लगी, तो इस वक्त जा रही हूँ आप खाना खाने। आज यहाँ पे खाना ट्राई किया जाए, गुरु कृपा घंटा वाला फैमिली रेस्टोरेंट। तो दोस्तों ये है गुरु कृपा घंटा वाला और एक है गुरु कृपा। तो ये दो है गुरु कृपा। तो ये जो घंटा वाला गुरु कृपा है ना, इसका जो खाना है वो बिल्कुल सात्विक है, बिना लहसुन प्याज। तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मांगलिक दोष पूजा को लेकर और रुद्र अभिषेक को लेकर, मतलब डिफरेंट टाइप की जो पूजा होती है उनको लेकर, कि कोई पंडित जी का नंबर मैं दे दूं। तो पंडित जी से मैं मिलवा ही देती हूं, तो आपका नाम बता दीजिए मुझे। श्री आशीष भाई पूजा वाला। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन पूजा की व्यवस्था है और ये मंगलनाथ महादेव मंदिर में नवग्रह की पूजा, भात पूजा, सभी प्रकार की मंगल दोष की पूजा हम यहाँ करवाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पूजा अवेलेबल है। और उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी तीर्थ क्षेत्र में आपको पूजा ना कोई करवाना है तो आप करवा सकते हैं। पूजा वाला 8530126272। ऑल ओवर इंडिया मतलब जहाँ पर भी आपको घर बैठे भी अगर पूजा करवानी है तो वैसे भी करवा सकते हो, या ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी करवानी है, अपने शहर में बुलवा के करानी है तो वो भी करा सकते हो। जैसे महाकालेश्वर में रुद्राभिषेक वगैरह आप कराने की बहुत लोग बोल रहे थे कि रुद्राभिषेक के बारे में बताइए, कौन करवाएगा पूजा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। डायरेक्टली भी आप इनसे बात कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूजा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ना, तो आप डायरेक्टली इनसे फ़ोन कर लेना, तो आप डायरेक्टली बात कर लेना, तो डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली मिलवाई। तो चलो दोस्तों सुबह नहा धोकर चलते हैं एक बार फिर से खाना खाने के लिए। तो मेरा खाना आ चुका है और खाने में मैंने मंगवाई है 99 की थाली। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि 99 की थाली में आपको क्या क्या मिलेगा। तो मैंने लास्ट टाइम भी खाया था तो मुझे खाना इनका अच्छा लगा था रेट के हिसाब से। तो मैं बता रही थी ना आपको कि उज्जैन में खाना महंगा नहीं, तो चलो दिखाती हूँ क्या क्या आइटम है। तो दोस्तों ये है गुरु कृपा की 99 की थाली। एंड ट्रस्ट मी, ये थाली जैसी दिख रही है ना वैसे खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। बस कड़ी थोड़ा सा खट्टा लगा है मुझे, लेकिन खाना बहुत ही इनका यमी होता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ हमेशा इनके यहाँ पर खाना खाती हूँ। इस प्लेट में आपको यहाँ पर आपको 5 से 6 रोटी दी जाती हैं और साथ में पापड़, सलाद और 3-4 तरह की देखिए सब्ज़ी भी दी जाती है। मिक्स वेज है, एक आलू मटर है, एक दाल है, एक कड़ी है। कड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कड़ी बहुत खट्टी है। दाल और बाकी की 3 सब्जी बहुत अच्छी है। मिक्स वेज बहुत अच्छा लगा, मतलब सूखा सूखा तो नहीं मिलाया, बहुत ना लटपट वाला, मतलब पटा के जो सब्जी बनती है ना वो वाला। आलू मटर भी बहुत अच्छा है। चपाती मिलता है एक थाली में, 5 रोटी, राइस भी मिलता है। तो जो अच्छी खासी जिसकी डाइट होगी ना वो आराम से 5 रोटी खा लेगा, बाकी
मेरे पास के तो नहीं है। तो चलिए हो चुकी है रात, चलते हैं डिनर करने के लिए, देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने में। वहाँ पे खाया जा रहा वो रहा कौन सा, गुरु कृपा, ये है स्वरुचि, ये है चिंता रमन, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि 100 रुपए से भी कम पैसे में आप यहाँ पर खाना खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। कढ़ी है, चावल है, सलाद है, रोटी है, चावल, आलू छोले की सब्जी है, और कोई सब्जी नहीं है इसके अलावा। क्या आपकी थाली में तो अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ ये 80 रुपए वाली प्लेट, देखते हैं कि ये खाना कैसा है। देखने में तो ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन खाने के बाद पता चलेगा कि खाना कैसा दे रहे हैं। देखा जाए तो 80 रुपए में आपको इस तरह से सर्व किया जा रहा है, और वहाँ पे 99 में आपको बहुत अच्छे तरीके से खाना दिया जा रहा था गुरु कृपा वाले ढाबे पे। ये मिल गए हैं कानों के कपड़े, और ये कलर ले रही हूँ मैं, एक ग्रीन ले रही हूँ जिसमें उसको ठंड ना लगे। इसमें ना छोटी सी ये टोपी भी लगी हुई है, और एक पीला ले लेते हैं, और कलर देना भैया, ये रख लो, ये वाले नहीं चाहिए, ये नहीं अच्छे। रेड तो ले लिया मैंने, ग्रीन भी ले लिया, वो तीसरी समझ ही नहीं आ रही मुझे, किसी जो पसंद आ रही उसमें टोपी नहीं है, जो नहीं पसंद आ रही उसमें वो ऐसी पड़ रही है। कानों की ड्रेस ले ली, बेचारे को ठंड लगती है यार, वहाँ पे तो ड्रेसेस मिलती ही नहीं है कानों की ऐसे ना वूलन वाली, तो अच्छा तो महाकाल में ना यहाँ पे मिल जाते हैं बहुत सारी ड्रेसेस, तो इसलिए मैंने सोचा वहीं से लूँगी, तो मैंने इस वजह से यहाँ से लेनी थी, पहले से ही सोच कर आई थी। तो चलिए चलते हैं भारत माता मंदिर के, इधर आई हूँ मैं खाना वाना खा के। खाने की स्टोरी तो मैं क्या ही बताऊँ आज आपको, इतना गंदा खाना था ना वो, मेरे को आपको दिखाने की वजह से ना खाना पड़ा वो 80 रुपए प्लेट, मुझे लगा कि चलो क्या पता ये भी देख लेते हैं ठीक होगा तो बताऊँगी कैसे कि भाई कैसा है खाने में, कैसा नहीं, कैसे आप लोगों को बताऊँगी। तो बिल्कुल बकवास, रद्दड़ था, मत खाना उसका। जो सुबह 100 रुपीस वाली जो थाली खाई है ना मैंने, 99 वाली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, और बिल्कुल साफ़ सुथरी, बहुत तरीके से जैसे खाना प्रॉपर दिया जाता है ऐसे खाना दे रहे थे। ठंड का मौसम है और यहाँ पे मिल रही है गजक, मैंने यहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखी हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा जगह जगह गजक बनाई जा रही है, जो कि आपको ताज़ा गजक यहाँ से खरीद सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं इनके कारखाने में, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गजक बनाई जा रही हैं। हर वैरायटी की गजक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चॉकलेट वाली, खोए वाली, मूंगफली वाली, बहुत सारी वैरायटी देखी भाई मैंने यहाँ पे गजक की। तो चलो चलते हैं। मैं एक शॉप में आई हूँ और यहाँ पे ना फ्रेश चिक्की बन रही है, मूंगफली और गुड़ की जो होती है ना, तो आप लोग हो सकता है उसे गुड़ की पट्टी बोलते होंगे, हम लोग गुड़ की चिक्की बोलते हैं, तो यहाँ पे फ्रेश बनाई जा रही है, तो अभी यहाँ पे फ्रेश बन रही है, तो मैं खुशबू सूंघते यहाँ तक पहुँच गई हूँ उनके यहाँ पे जहाँ पे वो बन रही है। तो चलो पूछते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो उनके फिर गुड़ पिघला के फिर उसमें डालते हुए, मतलब कोई सेम प्रोसेस है जैसे कि मैं बोल रही हूँ लेते हैं ना, फिर उसको मूंगफली को फिर उसको मेल्टेड गुड़ में डाल के और फिर उसको ऐसे बना लेते हैं, लेकिन ऐसा फ्लैट बनती है, एक जो ये बना रहे हैं वो अलग है, वो चाशनी का अंतर होता है। अच्छा, ब्रेड का अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा। तो ये प्योर गुड़ ही है, ये इसमें चाहिए शक्कर भी मिला है, सब प्योर सब गुड़ है। अच्छा, क्या भाव मिलता है वैसे? 240 रुपए। 240। तो गजक का रेट तो आपने सुन ही लिया होगा, 240 रुपए किलो। तो ये खुला हुआ है यहाँ पे एक ब्यूटी स्टोर, जो कि काफ़ी सेल लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स हैं यहाँ पे, 20-30 रुपए में, 50 रुपए में भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको चाइनीज़ की भी काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, चाइनीज़ खाना खाने के शौकीन है ये भी आपको इसी रोड पे मिल जाएगा, आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा सिवाय नॉन वेज के। तो चलिए अब बारी आती है हमारी रबड़ी खाने की। मुझे यहाँ की रबड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मीठा बहुत लिमिटेड होता है इसमें, तो इसलिए जब भी मैं महाकालेश्वर आती हूँ ना, तो रबड़ी ज़रूर खाती हूँ। और जानते हैं कितने की? सिर्फ 50 रुपये का ये कप मिलता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खा सकती।
आप गुलाब वाला है। बड़े सारे लोग ऐसे हैं हमारे भारत में जिनको इस तरह का केसर वाला दूध, ये ड्राई फ्रूट्स वाला ना, बड़ा ही पसंद होता है। मुझे ना मलाई देख के बड़ी इरिटेशन होती है, इसलिए मैं इस दूध से दूर भाग जाती हूँ। लेकिन आप लोग इस दूध का बिल्कुल मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लस्सी, केसर वाला दूध इस तरीके का ना बहुत ही यमी होता है। क्योंकि मैंने पिछली बार आई थी ना, तब मैंने ये दूध पिया था मलाई हटा के। और ये सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको रुकने की भी जगह मिल जाती है। ये मैं आ गई हूँ अब भारत माता मंदिर, थोड़ा वॉक करते करते आ गई यहाँ पे। शाम के टाइम वॉक करने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। मंदिर के अंदर टाइम स्पेंड कीजिए। ये सामने आप देख सकते हैं गार्डन है, गार्डन के सामने आप देख सकते हैं महाकालेश्वर भक्त निवास धर्मशाला है। ये ना ब्रेकफास्ट करके ही चलूँ, फिर थोड़ी देर सो जाऊँगी, ठीक है, इसलिए फिर वापस आने का मन नहीं करेगा, इसलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद होटल चलेंगे, ठीक है। तो कुछ खाया जाए यहीं का, पोहा ट्राई करती हूँ। पोहा वैसे अपने घर में तो बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि एमपी का पोहा काफ़ी, इंदौर का पोहा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो इंदौर में तो नहीं हो, तो चलो कोई बात नहीं, उज्जैन का खा लेते हैं। यहाँ पे ना पोहे के ऊपर ना नमकीन डाल के दी जाती है एमपी में, लेकिन मुझे नमकीन नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने लौटा दिया और प्लेन पोहा लिया। खाने में कैसा है? खाने में तो टेस्टी है, अच्छा है, लेकिन मुझे जो पोहा पसंद है ना, उसमें मतलब खूब सारी वेजीज के साथ पसंद है। तो मैं जो घर में बनाती हूँ ना, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, तो मुझे बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन इसमें वेजिटेबल्स के नाम पर सिर्फ एक मटर है और तो कुछ नहीं है, लेकिन खाने में टेस्टी है। 20 रुपीज़। अभी मैंने साथ में ढोकला भी ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरा उससे पेट नहीं भरा, क्योंकि बहुत छोटी सी प्लेट थी यार। और सुबह ब्रेकफास्ट ना किंग की तरह करना चाहिए, बहुत रूखा रूखा सा लग रहा है। अभी ये डाल गई इसमें चटनी, आप बताएंगे। हाँ, अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि एग्जैक्टली चटनी डाली है ऊपर से, क्योंकि ये रूखा रूखा सा लग रहा था। ढोकले वाली चटनी नहीं। चलिए फिर से खाते हैं हम रबड़ी। ये भी आपको 50 रुपए का कप मिल जाता है, लेकिन रबड़ी के टेस्ट में फ़र्क है पहले वाली दुकान से। जो दिखाया था वो रबड़ी ट्राई किया था दूसरे शॉप से, हाँ दूसरे का ट्राई करूँ। ब्रेकफास्ट में तो मीठा इतना चलता है। तो दोस्तों मैं चल रही हूँ खाना खाने, चेंज वेंज मैंने कर लिया है, मैंने 1 घंटा रेस्ट किया। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे आ रही है भयंकर तेज नींद, और अगर मैं सो गई तो फिर मैं भूखे रह जाऊंगी और मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। तो चलो चलते हैं बाहर, आज कुछ नया खाते हैं, लेकिन सादा एज यूजुअल। चलो चले जी, मैं बाहर आ गई हूँ, ठंड है बाहर। कभी तो दिन में जब मैं चल रही थी तब तो उस टाइम दिन में तो बहुत गर्मी सी थी, लेकिन इस वक्त ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है कि जैकेट लादनी पड़े, जैकेटें वाली ठंड नहीं है, ठीक ठीक है। मतलब मैं तो नाइट सूट पहन रखा है, इसमें ही मेरे को ठंड नहीं लग रही। लेकिन जी तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर, जिसका खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मतलब जब ये सर्व भी कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बचा कुचा जो बच गया हो वो सर्व इन्होंने जैसे किया हो, क्योंकि खाना देने का तरीका मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी मेन्यू कार्ड वगैरह काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन खाने में दम नहीं था बिल्कुल भी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कैसा था खाना। तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ 120 रुपये वाली थाली, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आता है इस थाली में। आप
आज भी मैंने फुल वेजिटेबल थाली मंगवाई है, लेकिन ये अलग रेस्टोरेंट की है। इसका कंपैरिजन हम करेंगे गुरु कृपा की, जो उस दिन हमने थाली खाई थी वो 99 की थी, ये 120 की है। तो आप खाने में, टेस्ट में और क्वालिटी में सब चीज़ में कंपैरिजन करके बताऊंगी कि किसका ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें इन्होंने 4 चपाती दी हैं, उन्होंने 5 चपाती दी थी विद पापड़। ठीक है, इसमें एक पापड़ दिया इन्होंने, उन्होंने भी एक दिया था, लेकिन उन्होंने 5 चपाती थी, इनकी 4। वो सब्जी की आपको 4 वैरायटी देते हैं, जिसमें एक दाल होती है, कढ़ी होती है, सूखी सब्जी होती है और एक पीली वाली सब्जी होती है। इसमें इन्होंने दी है 3। अभी पता नहीं चला, मुझे अभी पता नहीं करती होगी। बहुत डिफरेंस है भाई, उनकी सब्जी बिल्कुल। गुरु कृपा बहुत ज़्यादा बेटर है, फार बेटर है गुरु कृपा इस वाले खाने से, जबकि उसका प्राइस है 99 रुपीज़ और ये है 120 रुपीज़, जिसमें क्वांटिटी भी कम है, प्राइस भी ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है जितना गुरु कृपा का अच्छा था। कंपैरिजन हो गया, आप खा लूँ। तो खाने का रिव्यू मैंने दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा बकवास खाना था। और अभी पीछे की तरफ है ये, जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं ना तो वो गली जो बीच में पड़ती है उधर है, तो उसका खाना बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल अच्छा नहीं था खाना। अभी मेरे को बस पता करके आनी है कि परसों के लिए मॉर्निंग में कोई बस का पता करें, तो अभी से पता कर लेती हूँ, अगर मेरा टाइम सूट कर गया तो फिर मैं उसको बुक कर दूँगी। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं टूर एंड ट्रैवल वाले पे। नॉन एसी है और 1000 रुपये का एसी। अच्छा, एसी स्लीपर है। हाँ। कितने बजे है बस? हंस वाले की है। हाँ, एसी 10:30 बजे, नॉन एसी 8:30 बजे। एसी 10:30 बजे है। कितने बजे पहुँचेगी? ये पहुँचेगी आपको 9 बजे। तो बस का पता किया अभी मैंने, तो बस ना रात को ही चलती हैं यहाँ से, लॉन्ग डिस्टेंस पे रात वाली बस ही होती हैं, वो स्लीपर होती हैं, एसी स्लीपर, तो दिन में कोई बस नहीं है। ठीक है, तो रात में ही है दिल्ली जाने के लिए, या कहीं भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो वो आपको रात को ही मिलेंगी, दिन में कोई नहीं मिलेगी, वो भी एसी स्लीपर है सारी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जी अब मुझे लगता है परसों मुझे रुकना पड़ेगा, नाइट का पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बाकी परसों का स्टे और हो गया ना, खा लिया खाना, खाने के बाद अब चलते हैं कुछ मीठे की तरफ, वरना सीधे होटल चलते हैं, सोते हैं। कितने भी बजे चले जाओ रौनक लगी रहती है, मतलब काफ़ी लेट नाइट तक रौनक रहती है। अभी भी देखेंगे 10:30 हो रहे हैं, 10:30 बजे भी अच्छा खासा चहल पहल हो रही है। लड्डू का पैकेट देना, खजूर का पैकेट? हाँ नहीं, लड्डू तो नहीं, खाने के लिए ले रही हूँ भैया, चढ़ाने के लिए नहीं, तो एक खजूर का पैकेट लिया है मीठा मुँह करने। आज मैं खाने में मीठा खाने का मन था, तो आज मैंने सोचा कुछ अनहेल्दी मीठा नहीं खाऊंगी, तो आज मैं हेल्दी मीठा खाऊंगी, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ सम डेट्स। तो ये हेल्दी रहते हैं और अच्छे रहते हैं खाने में। तो मैं ना, आप लोग सोचते होंगे कि यार ये बाहर जाती है तो हमेशा ऐसे ही खाना खाती है, सिंपल सा वैसे वाला अच्छा वाला खाना नहीं खाती है। तो देखो मेरे लिए ना, मेरे लिए जो सादा खाना है ना, वो मेरे लिए अच्छा वाला खाना है, और मैं इसलिए हैवी मील लेना इसलिए अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं देखो ज़्यादातर मैं बाहर रहती हूँ, ट्रैवल करती रहती हूँ,
तो अगर मैं इतना ट्रैवल करने पर इतना ज़्यादा हैवी खाना खाऊंगी, मखनी, दाल मखनी, पनीर एंड ऑल ये सब कुछ नान शान, तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ, है ना। इतना हैवी बार बार बाहर का खाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट बाहर का ही खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऐसा खाना खाती हूँ जो कि घर जैसा ही लगे और बिल्कुल सादा खाना हो, जो पता ही ना लगे भाई बाहर हूँ, तो मैं ऐसा खाना खा रही हूँ जिससे मेरी हेल्थ भी ठीक रहे। तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल खाना ही खाना पसंद करती हूँ, जिससे मेरी हेल्थ भी ठीक रहती है, मेरा स्टमक भी ठीक रहता है। तो इसलिए ये रीज़न है मेरा ऐसा सादा खाना खाने का। और दाल सब्जी रोटी, इससे बढ़िया क्या खाना हो सकता है। इसे खाकर मुझे संतुष्टि मिलती है, इतना हल्का खाना खाकर, है ना। पेट भी हल्का रहता है, माइंड भी हल्का रहता है, सब ठीक रहता है। लेकिन अगर हैवी खाना खा लो ना, तो मतलब क्या बोलूँ, ज़्यादा मतलब बहुत हैवी सा फील होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे ना, अच्छा फील नहीं होता। तो इसलिए मैं हैवी नहीं खाती हूँ ज़्यादा, मैं लाइट खाना ही पसंद करती हूँ। और मीठे में ये डेट्स, कभी कभार मैं चीट मील की तौर पे, चीट मील के तौर पे कभी कभी स्वीट्स ले लेती हूँ, जब कभी कुछ बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो तब। अदरवाइज़ मैं मीठे में या तो गुड़ वगैरह या कुछ ऐसा मिल जाए, या बस ऐसे ही सब कुछ। ठीक है, तो मेरी आंखों के शटर गिरते जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बोल देती हूँ गुड नाइट, राधे कृष्णा।